हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फो ट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप फेसबुक फोटो पे शायरी लिख सकते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, ऊपर की तरफ शायरी और नीचे की तरफ आपका फोटो या फिर किसी भी बंदे का फोटो और ऊपर शायरी होता है कुछ इस प्रकार से। तो फिर आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कैसे जो है आप फोटो के ऊपर शायरी लिख सकते हैं। तो फिर अगर आपको पता नहीं फेसबुक फोटो पे कैसे शायरी लिखा जाता है तो दोस्तों आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पे जा करके आपको एक शायरी खोज लेना है। शायरी कैसे खोजना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग शायरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग शायरी। इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखने के बाद जो है आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको काफ़ी सारा शायरी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर से कोई भी एक शायरी को उठा लेना है। अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये शायरी को उठा लेता हूँ। आपको सिंपली इस प्रकार से जो है आपको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपको चले जाना है अपने फेसबुक के अंदर। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड फेसबुक पे आने के बाद आपको सिंपली ऊपर के साइड में एक बटन देखने को मिल जाता है, राइट समथिंग हेयर, ये वाला बटन भी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा फोटो और वीडियो, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहाँ पर से जो है आपको एक फ़ोटो उठा लेना है अपना। तो फिर यहाँ पर हम ये वाला फ़ोटो को उठा लेते हैं, आपको भी कुछ फ़ोटो अपना ले लेना है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर के साइड में एक बटन देखने को मिल जाएगा, से समथिंग अबाउट दिस फोटो, ये वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है और जो शायरी आपने वहाँ से कॉपी किया था आपको यहाँ पर दबा करके पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं शायरी भी आ गया और नीचे जो है आपका फ़ोटो भी आ गया। उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो है पोस्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जैसे आप ये कर देते हैं आपका फ़ोटो आपके शायरी के साथ पोस्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ोटो भी पोस्ट हो गया, ऊपर शायरी भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप भी बड़े आसानी से जो है फ़ोटो शायरी के साथ पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे ये भी है, आपको यहाँ पर से कोई फ़ोटो उठा लेना है और फ़ोटो एग्जांपल के लिए हम फिर से उठा लेते हैं वो फ़ोटो। और फ़ोटो उठाने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है डबल ए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे भी जो है आप अपना शायरी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका शायरी यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे शायरी लिख सकते हैं। तो फिर आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और जो है आपको यहाँ पे जो है आपका शायरी पोस्ट हो जाएगा फोटो के साथ। फिर आप जो है यहाँ पे पोस्ट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं।